नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस में। तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ बढ़िया सी डिश लेकर। भाई पालक पनीर, पनीर अंगारा, ये सब सब्जियाँ खा खा कर हम पक चुके हैं। इसलिए मैं आज लेके आई हूँ बढ़िया सा शाही काजू मखाना। जितना नाम शाही है उतना खाने में भी लाजवाब है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही चंद मिनटों में बनने वाली ये सब्जी है। अभी तक आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। शाही काजू मखाना बनाने के लिए आपको इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिए है काजू, ये 100 ग्राम काजू है हमने ले लिया है। शाही काजू मखाना है तो काजू तो पहले चाहिए उसमें। और हमने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च, जिसको हमने इस तरफ लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हमने ले लिया है थोड़े से मखाना, ये मखाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और ये हम इसको सब्जी में ऐड करेंगे। और हमारा ये दूसरा इंग्रेडिएंट है अदरक लहसुन की पेस्ट और हरी मिर्ची की पेस्ट। इससे फ्लेवर्स बहुत ही निखर के आते हैं और खाने में भी मस्त लगता है। और ये ले लिया हमने किशमिश। यहाँ पे हमने ले लिया है 3 टमाटर को ग्राइंड कर लिया, उसकी टोमेटो प्यूरी बना ली है। और ये 2 प्याज को हमने ग्राइंड कर दिया है। और ले लिया लास्ट हरा धनिया। अब जो काजू थे ना उसके हमने 2 टुकड़े कर लिए। इसी तरह से हमने इस तरह से सब काजू के कर दिए, आप देख सकते हैं। अब ले लीजिए कढ़ाई एक, उसमें आपको डाल देना है कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे हमने मखाना, किशमिश, काजू, शिमला मिर्च ले लिया है। हम इन चारों को कर देंगे फ्राई। तो सबसे पहले कढ़ाई में आपको डाल देना है काजू। ध्यान रखिएगा आपको आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, फुल फ्लेम पे बिल्कुल इसे फ्राई नहीं कीजिए, नहीं तो काजू जल जाएंगे और टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आएगा। बस इस तरह का थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो आपको निकाल देना है। इसी तरह से हमने मखाना को भी फ्राई कर लिया है। याद रखिएगा आपको ये चारों जो हमने फ्राई किए हैं ना उसको आपको धीमी आंच पे ही करना है। देखिए सिर्फ रंग बदल जाए तब तक ही आपको इसे फ्राई करना है। और किशमिश भी थोड़ी सी इस तरह से हो जाए तो आपको इसे निकाल देना है। इसी तरह से हमने शिमला मिर्च डाल दिया है और इसे भी आपको फ्राई कर लेना है, धीमी आँच पर ही कीजिएगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, फुल फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए ये हमारे चारों फ्राई हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं वैसा का वैसा ही, थोड़ा सा खाली कलर चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, उसी कढ़ाई में डाल देना है 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद ये थोड़ा सा फॉर्म हो जाए, आपको डाल देनी है जो हमने टोमेटो प्याज को ग्राइंड किया था वो डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। भूनने के बाद आपको इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट। दोनों को डालकर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और पका देना है। तो देखिए यहाँ पे ये पक गई है बढ़िया सी, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, टोमेटो की प्यूरी ऐड कर देनी है और फिर से आपको इसे मिक्स कर देना है बढ़िया से, ताकि जो हमारा प्याज और जो हमने पेस्ट डाली थी वो टमाटर में बढ़िया से घुल जाए और हमारा ये मसाला पक जाए। जब ये आप मसाला आपका पक जाएगा ना तो आपको इसमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर। अब आपको इसे फिर से मिक्स कर देना है ताकि हमारे जो ये मसाले हमने डाले हैं वो एकदम बढ़िया से पक जाए। और ऊपर से आप देख सकते हैं अब ऑयल आना भी शुरू हो गया और ये हमारा मसाला पक चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा फिर से इसे मिला देना है इस तरह से। इस मिलाने के बाद यहाँ पे जो हमने काजू, मखाना, शिमला मिर्च, किशमिश फ्राई किए थे ना, अब बारी बारी इन सबको हम डाल देंगे। पहले हमने डाल दिया मखाना, फिर हमने डाला है काजू, और काजू डालने के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है किशमिश, फिर शिमला मिर्च। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से कलर लग रहे हैं सब। अब आपको इसे मिला देना है अच्छे से, यानी कि मिक्स कर देना है।
ताकि जो हमने फ्राई की हुई चीज़ है वो अंदर मसाले में बढ़िया से लग जाए। अब ये आपको मिक्स करते जाना है। अब यहाँ पे हमने ले ली है अमूल फ्रेश क्रीम, जो हम सब्जी में ऐड करने वाले हैं। ये अमूल फ्रेश क्रीम है, इससे फ्लेवर क्रीमी बनती है और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप घर की जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो निकाल कर उसे फेंट दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्रीम ऐड कर दी है, आप आधा कप एक कप ऐड कर सकते हैं, जितना आपको क्रीमीनेस चाहिए सब्जी में। डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है ऑरेंज रेड फूड कलर, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसको कलर के हिसाब से। अगर आप ये फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ऑरेंज फूड कलर में हमने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से आपको मिक्स कर देना है ताकि जो पूरा कलर है वो सब्जी पर बढ़िया से चढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ये कलर चढ़ चुका है। अब इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके आपको पका देना है करीब 4 से 5 मिनट तक। तो देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गई है, बढ़िया से पक ही चुकी है। आप देख सकते हैं ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स करके थोड़ा सा और पका दीजिए करीब 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद आपको इस तरह से बोल में सर्व कर देना है। तो ये आपकी तैयार है शाही काजू मखाना। आप देख सकते हैं कितनी ये क्रीमी बनी है बढ़िया से, और ये सच्ची में खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और मखाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हमें खाने ही चाहिए मखाना। तो अब हमने गार्निशिंग के लिए लिया है, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दीजिए सब्जी को। उसके लिए काजू इस तरह से हम रख देंगे, ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा और हरा धनिया, और ये हमने जो गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना वैसे रोटी बना दी है और उसको इस तरह पीसेस में कट कर लिया है, इस तरह से उसको हमने लगा दिया है। आप इसे गेहूं के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं फिर, या तो फिर आप इसे लच्छा पराठा खाइए इसके साथ, या मैदे की रोटी भी आप खा सकते हैं, नान खा सकते हैं, कुछ के साथ भी खाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ हमने रख दी है ऑनियन की रिंग, इस तरह से बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो ये हमारी तैयार है चंद मिनट में शाही काजू मखाना, ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते न्यू रेसिपी और न्यू आइडियाज़ के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।